गुड मॉर्निंग क्लास बच्चों, आज हम इंग्लिश की नोटबुक में कर्सिव लेटर्स लिखेंगे। कौन से लेटर्स है बच्चों? आर, के, पी, क्यू और एफ। ठीक है, मैं आपको सिखाऊंगी कि आपको किस तरह से लिखना है। सबसे पहले हम लिखेंगे आर। तो थर्ड नंबर की जो हमारी ब्लू लाइन है, वहाँ से सेकंड नंबर की ब्लू लाइन तक पहले हम एक स्लैट लाइन बनाएंगे बच्चों, इस तरह से। ठीक है, फिर वहाँ से जब हम ब्लू लाइन को टच करें तो वहाँ से कर्व बनाना है। देखिए बच्चों, जो थर्ड नंबर की ब्लू लाइन है वहाँ से सेकंड नंबर की ब्लू लाइन तक एक स्लैंट लाइन बनानी है हमें, इस तरह से। ठीक है, फिर टर्न करके एक कर्व बनाना है। ये हुआ हमारा आर। अब हम बनाएंगे के। तो थर्ड नंबर की जो ब्लू लाइन है वहाँ से फर्स्ट नंबर की रेड लाइन तक एक स्लैंट लाइन बनानी है पहले आपको, इस तरह से। फिर रेड लाइन को टच करके एक स्टैंडिंग लाइन बनाई, वापस ऊपर की ब्लू लाइन तक गए, टच किया, कर्व किया। ये हुआ हमारा आर। अब हम बनाएंगे पी। ठीक है, तो जो थर्ड नंबर की ब्लू लाइन है वहाँ से सेकंड नंबर की ब्लू लाइन तक एक स्लैंट लाइन बनाएंगे। फिर ब्लू लाइन को टच करके नीचे रेड लाइन तक एक स्टैंडिंग लाइन बनाएंगे बच्चों, वापस ऊपर जाएंगे, फिर से करेंगे। पहले हमने एक स्लैंट लाइन बना दी ब्लू लाइन से, थर्ड नंबर की ब्लू लाइन से सेकंड नंबर की ब्लू लाइन तक। ठीक है, फिर एक स्टैंडिंग लाइन बनाई रेड लाइन तक, ऊपर गए, टच किया, कर्व किया। ये हुआ हमारा पी। अब हम बनाएंगे क्यू। तो क्यू में भी आपको वैसे ही करना है, सेकंड नंबर की ब्लू लाइन तक जाना है, थर्ड नंबर से सेकंड नंबर की जो ब्लू लाइन है वहाँ तक आपको जाना है स्लैंट लाइन बनाते हुए, इस तरह से। रेड लाइन तक गए, वापस ब्लू लाइन को ज्वाइन किया। ये हुआ हमारा क्यू। अब हम बनाएंगे एफ। ठीक है बच्चों, तो एफ में हम क्या करेंगे, हमारी जो थर्ड नंबर की ब्लू लाइन है वहाँ से रेड लाइन तक पहले स्लैंट लाइन बनाएंगे, इस तरह से। रेड लाइन को टच करके नीचे की रेड लाइन तक आना है स्टैंडिंग लाइन बनाते हुए, उसे टच करके ऊपर गए, कर्व किया, हुआ हमारा एफ। फिर से सीखेंगे, सबसे पहले बनाएंगे आर। ठीक है, तो आर बनाने के लिए कहाँ से स्टार्ट करना है बच्चों? जो थर्ड नंबर की ब्लू लाइन है ना, वहाँ से सेकंड नंबर की ब्लू लाइन तक एक स्लैंट लाइन बनाएंगे, फिर कर्व करके बनाएंगे आर। ठीक है, अब बनाएंगे के। स्लैंट लाइन बनाई, रेड लाइन को टच किया, नीचे ब्लू लाइन तक आए, वापस जाना है, इस तरह से आर बनाना है। ठीक है बच्चों, अब बनाएंगे पी। स्लैंट लाइन बनाई, स्टैंडिंग लाइन बनाई, ऊपर गए, टच किया, कर्व किया, हुआ हमारा पी। अब क्या बनाएंगे? क्यू। स्लैंट लाइन बनाएंगे, ब्लू लाइन को टच करके, ये हुआ हमारा Q। ठीक है बच्चों, अब हम बनाएंगे F। तो क्या करना है, थर्ड नंबर की ब्लू लाइन से रेड लाइन तक हमें स्लैंट लाइन बनानी है। रेड लाइन को टच करते हुए नीचे की रेड लाइन तक आए, वापस ऊपर गए, फिर से सीखेंगे F। स्लैंट लाइन बनाई, रेड लाइन तक गए, स्टैंडिंग लाइन नीचे की रेड लाइन तक आए, टच किया, ऊपर गए, ये हुआ हमारा F। तो बच्चों, आज हमने क्या क्या सीखा? R, K, P, Q और F कर्सिव में लिखना सीखा। ठीक है बच्चों, आज हम इतना ही करेंगे, तब तक के लिए गुड बाय बच्चों।